गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5 का। जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में माइकल का जो बेटा है जिमी, उसकी फाइट हो गई थी लॉस्ट गैंग के कुछ बंदों से। अब यहाँ पर ना वो लोग एयरकेड में आए थे और जिमी से उन्होंने कुछ बैट लगाई थी कि अगर तू ये गेम जीतता तो तुझे इतने पैसे मिलेंगे, और वहां पर जिमी जीत गया था। लेकिन उन लोगों ने पैसे नहीं दिए, उल्टा जिमी को मार के अलग घर भेजा था। तो यहाँ पर उसी से बदला लेने हम गए थे और लॉस्ट गैंग को मैंने फिर बहुत ही बुरी तरह मारा। अब उसके बाद मार के जैसे मैं उस एयरकेड के मैनेजर से बात करने आई तरफ में गया, तभी मैंने देखा ना नीचे टनल जा रही है और वहां पर टनल के अंदर टेररिस्ट बैठे हुए थे जिनका प्लान चल रहा था डायमंड कैसीनो में रॉबरी करने का या फिर बॉम्ब प्लांट करने का, जो भी हो बहुत खतरनाक ही प्लान था। और टेररिस्ट जो थे अपने बातचीत करके ना मतलब कैमरे में देखने आया था वो क्या चल रहा है। उसके बाद ना वो अंदर किसी जगह पर चला गया था, वहां पर उन्होंने लॉक वॉक लगा रखा था तो वहां पर तो मैं एंटर नहीं हो पाया, बट बाकी जो एरिया था ना वो मैंने उनका जरूर देख लिया था। अभी फिलहाल ना ये सब बातें जो है ना हमें लेस्टर को बतानी है, तभी लेस्टर जो इस पर आगे काम करेगा, मतलब कि डायमंड कैसीनो में क्या करना है क्या नहीं करना। अब यार डायमंड कैसीनो में हम लोग ऑलरेडी दो बार रॉबरी कर चुके हैं, लेकिन एक बार भी हमने वहां से जो डायमंड कैसीनो में डायमंड्स है ना वो आज तक नहीं चुराए, क्योंकि उस चीज के बारे में पता ही नहीं कि वो आखिरकार रखे कहां पर है। खैर वो चीज जो है लेसर कभी ना कभी पता कर ही देगा और हम लोग वहां से चुरा लेंगे। लेकिन अभी जिस हिसाब से टेरिस का प्लान चल रहा है, हो सकता है क्या पता उन्हें पता चल गया हो। अभी ये सब बात जो है लेसर को बता देंगे। लेकिन गाइस आपको पता होगा कि लास्ट एपिसोड में हमने एक वेबसाइट बनाई थी अपने शोरूम के लिए, क्योंकि आपको याद होगा हमारा जो शोरूम है उसके अंदर हम सारी की सारी कार्स एकदम ऑनलाइन बेचा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो शोरूम था उसके लिए जो वेबसाइट बनाई थी उससे कल एक ऑर्डर आया था और उस बंदे को कार चाहिए थी डिंका जस्ट रेस कार एडिशन। अब उस कार का जो प्राइस है वो है $350,000। तो हमने कहा था कि जितनी भी कार्स आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी उसका कम प्राइस में मिल जाएगी। तो आपको याद होगा ये वाली जो कार है ना, इस कार को मैं भंगार के शॉप से खरीद के लाया था। अभी इस कार को पूरे का पूरा रिपेयर करवाना है और पूरा एकदम नया करना है और उसे रेस कार एडिशन में कन्वर्ट करवाकर उस बंदे को डिलीवर कर कराना है, और उससे पहले पेमेंट भी लेकर आनी है। तो यहाँ पर ना कल मैं सोच रहा था कि ना इसको सबसे पहले अपने शोरूम में ले जाऊँ, वहां पर ले जाकर इस कार को मैं रिपेयर करवाऊंगा, फिर उस बंदे से पहले पेमेंट लेकर आएंगे, फिर उसको कार डिलीवर कर कराएंगे। लेकिन गड़बड़ ये हुई कि कल ना लास्ट टाइम ये कार ना मैंने बहुत ही बुरी तरह ठोक दी थी, आप लोग यहाँ पर खून भी देख पा रहे हो एक बंदे का। तो यहाँ पर ये ठुकने के बाद ना इस कार में से धुआं निकलने लग गया। अब मुझे नहीं लगता कि ये कार ज्यादा आगे तक चल सकती है। और दूसरी दिक्कत की बात ये है कि इस कार के चारों टायर भी यहाँ पर पूरे के पूरे हट चुके हैं भाई। एक होता है पंचर होना और दूसरा होता है कि रबड़ी गायब हो गई। तो समझ लो रबड़ी गायब वाला यहाँ पर सीन हो चुका है भाई। यहाँ पर टायर बचे ही नहीं है, कार जो अपने उसके रिम्स होते हैं उस पर चल गई है। अब यार देखो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, मुझे ना इस कार को किसी और बंदे को रिपेयर करवाने के लिए देना पड़ेगा। पहले मैं सोच रहा था अपने शोरूम में ले जाऊंगा, वहां पर नए नए मैकेनिक्स लाऊंगा, वो इस कार को रिपेयर करेंगे। लेकिन यार वो लोग ना रिपेयर तो कर देंगे, लेकिन पता है इसको रेस कार एडिशन में कोई भी नहीं कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि यार रेस कार एडिशन में ना काफी कुछ चेंज भी होता है अंदर से गाड़ी का, बाहर से पेंट नहीं होता सिर्फ, अंदर भी काफी कुछ चेंज होता है। अभी एक काम करते हैं ना, इस कार को मैं ना लेकर जाने वाला हूँ बैनी के पास। अगर आपको नहीं पता बैनी कौन है तो गाइस बैनी लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा मॉडिफायर है। अब यहाँ पर ना वो जो जितने भी कार्स मॉडिफाई करता है उसके ना पैसे काफी ज्यादा लेता है, लेकिन यार जिस हिसाब से वो मॉडिफिकेशन करता है भाई वो एकदम नेक्स्ट लेवल होती है। और यहाँ पर ना भी हमें जिस बंदे को कार बेचनी है ना उसको एकदम ये कार न्यू बताकर बेचनी है, तो अभी ना मेरे को इस कार को उसी के पास लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि कार के अंदर काफी कुछ काम करवाना है। अब यार जिस हिसाब से इस कार की हालत हो रखी है ना, मुझे तो नहीं लगता कि इसको अपने शोरूम पर ले जाना सही डिसीजन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ना अभी तक इस गाड़ी से धुआं निकल रहा था, लेकिन अभी इस कार से पेट्रोल लीक होना स्टार्ट हो गया। आप लोग यहाँ पर नीचे की तरफ में देख पा रहे होंगे एकदम भर के पेट्रोल लीक हो रहा है। अब यहाँ पर ना सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इस कार को ना पूरे का पूरा वैसा मॉडिफाइड करवाना भी मुश्किल हो सकता है, फिर खर्चा ज्यादा आ सकता है, क्योंकि अभी मैं अपनी कार को लेकर आ गया हूँ बेनीज मोटरवर्क्स। अब ये जो बंदा है ना लॉस सैंटोस में सबसे तगड़ी मॉडिफिकेशन करता है, और जैसा हम बोलेंगे ना कार को एकदम वैसा का वैसा करके दे देगा। और आप लोग इसका वेयर हाउस भी बाहर से देख पा रहे हो, कितने बढ़िया से एकदम टैटू वैटू बना रखे हैं। अभी फिलहाल इसके वेयर हाउस के अंदर अपनी गाड़ी को एंटर करवाते हैं, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो गाड़ी में स्क्रैचेस किस टाइप से, मतलब ये देखो भाई जहां जहां पर गाड़ी चल रही है ना इसके टायर की वजह से पूरे के पूरे एरिया में स्क्रैच लगते जा रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो पूरे में पेट्रोल गिरता हुआ आया भाई साहब, ये देखो जहां पर हमने गाड़ी थोड़ी देर के लिए खड़ी करी थी पेट्रोल से पूरी भर गई है। अब बस भाई मुझे डर लग रहा है भाई बहनी कुछ ना बोले, क्योंकि बहनी भी कहेगा भाई ये कौन सी गाड़ी तुम लोग यहाँ पर लाए। तो गाइस यार अभी तो फिलहाल अपनी गाड़ी को मैंने यहीं पर खड़ा कर दिया, बहनी अपने अंदर मॉडिफिकेशन में लगा हुआ है, तो बहनी से हमारी बातचीत है उतनी नहीं है। लेकिन बाकी ना आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इसके पास कोई भी छोटी मोटी कार्स आपको देखने को नहीं मिलेगी, जितनी भी है सारी की सारी सुपर कार्स है। अब ये वाली जो ब्लैक वाली है ना ये एक मतलब स्पोर्ट्स कार है, लेकिन उसके पीछे इसने यहाँ पर काफी तगड़ा नाइट्रो बूस्टर लगाया है, जिसकी वजह से कार ना सीधा हवाओं से बातें करेगी। और यहाँ पर ये
फरारी और पीछे की तरफ में कौन कौन सी है? ओके तो लैम्बोर्गिनी एसवीजे, मर्सिडीज बेंज और ये है लैम्बोर्गिनी टायर्स। और ये ब्लैक वाली कौन सी कार है भाई? इस ब्लैक वाली कार को भी मैंने ओके तो ये वही वाली कार है जो कि हमने लिबर्टी सिटी में देखी थी। अब मैंने इसे बाय नहीं करा था क्योंकि वो लोग भी काफी ज्यादा महंगी दे रहे थे। अब यहाँ पर इसमें भी सेम टू सेम वही नाइट्रो बूस्टर वाला सीन है भाई साहब, बहुत ज्यादा फास्ट रहेगी ये कार। और बाकी यहाँ पर ना एक कार मॉडिफाई हो गया जो कि इसने कपड़े से ढक दिया है, और ऊपर की तरफ में ग्रीन कलर की कार है जो कि यार काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। अब एक काम करता ना, ऊपर वाला एरिया मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं करा है इसके वेयर हाउस का, ये शायद इसने अभी बनाया, चलकर देखते हो। ओके तो यहाँ पर इसने मीटिंग एरिया भी बना लिया, अगर कार की कोई डील वील करनी हो तो यहाँ पर हम लोग अपना बैठ के कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इसने अपना जिम का सेटअप, बाकी गिटार वगैरह सब कुछ यहाँ पर धर दिया है। एक काम करते हैं थोड़ी सी ड्रिंक पी लेते हैं, काफी ज्यादा प्यास लग रही है भाई, इतना ज्यादा इधर उधर घूमते तो भी प्यास तो जरूर लगती है, तो फटाफट से ड्रिंक पीते हैं और चलते हैं नीचे की तरफ में और बैनी से बात करते हैं अपनी कार के बारे में कि कितने मतलब कि कितने डॉलर लगेंगे इस कार के लिए और बाकी कितना टाइम लगेगा इसको मॉडिफाई करवाने में। अभी जल्दी चलते हैं नीचे की तरफ में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी बस ना मुझे यहाँ से राइट होना है। और यहाँ पर इसने अंदर ये देखो भाई, मैं कह रहा था ना इसके पास सारी सारी महंगी कार्स होती है और अंदर लैम्बोर्गिनी सियान खड़ी हुई है, तो शायद से ये मॉडिफाई हो रही होगी, इसमें कोई कलर वगैरह करा होगा ना, जिस भी कार में कलर करता है ना उसको अंदर खड़ी कर देता है। बाकी यहाँ पर अभी किसी कार का इंजन रिपेयर कर रहा है भाई साहब। ओके तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इसकी ड्रेस है, ये इसके ड्रेस पे भी लिखा हुआ बैनी और यहाँ पर इसके साथ कुछ इसके वर्कर है। तो गाइस यार बैनी कह रहा है पहले ना मैं एक बार कार देखूंगी कौन सी कार है, कैसी कार है और रेस कार में कन्वर्ट हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी और कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर बैनी अभी कार को देख रहा है फिलहाल, यहाँ पर जहां जहां पर मैं कार खड़ी कर रहा हूँ ना पेट्रोल की बारिश हो रही है। अभी फिलहाल बैनी ने शायद से कार देखी और यहाँ पर अभी हमें मेन मीटिंग की बात करनी है, तो चलो यार अभी ना फटाफट से ऊपर की तरफ में डील करने चले गए कि हाँ भाई कितने रुपए लगने वाले इसको मॉडिफाई करवाने के लिए। बाकी यार बैनी ना काफी ज्यादा बढ़िया बंदा है, एकदम तमीज से बात बात करता है। अभी पता कर लेते हैं भाई कितना पैसा आखिरकार लगने वाला है, बाकी तो मुझे लग रहा है कि हाँ भाई $1,00,000 आराम से लगेंगे। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल ना यहाँ पर मैंने बैनी से तो बात कर लिया है, बैनी कह रहा है कि तुम्हारी कार को रिपेयर करने में और उसे रेस कार एडिशन में कन्वर्ट करने में $1,00,000 से भी ज्यादा लगने वाले हैं। और मुझे पता था बैनी इतने ज्यादा पैसे लेगा, इसका हमेशा का यही सीन है भाई, बहुत ज्यादा पैसे मांगता है छोटी छोटी चीज के भी, लेकिन जब ये मॉडिफाई करता है ना तो भाई वो एकदम नेक्स्ट लेवल होते हैं। तो एक काम करता हूँ सबसे पहले ना यहाँ पर मैं कैब बुक कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को ना घर पर अपने जल्दी से पहुंचना है और यहाँ पर कोई गाड़ी वाड़ी का भी जुगाड़ है नहीं, आसपास पूरे का पूरा रोड एकदम खाली पड़ा हुआ, क्या पता एक कार ज्यादा बढ़िया रहता, लेकिन अभी कैब से जाएंगे तो काफी फटाफट पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं ना एक बार अपने गूगल मैप में इसे बताना पड़ेगा कहाँ पर जाना है, तो कैब अभी फिलहाल मैंने बुक कर दिया है। अभी सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने घर पर, वहां से उठाऊंगा फरारी, फरारी को लेकर जाऊंगा गांव में। अब गांव में मैं इसलिए जा रहा हूँ ना क्योंकि वहीं पर ये रेस जो है हो रही है, वहां पर एक एयरलाइन है, उसके बगल में उस बंदे ने बताया था कि तुम्हें कार डिलीवर करनी है। अभी फिलहाल हमारी कैब जो आ चुकी है तो जल्दी से यहीं पर लेकर आ जाओ, सामने से ट्रेन भी आ रही है, अबे वहीं आना पड़ेगा क्या मेरे को भाई? यहीं पर लेकर आ कार भाई, क्या बंदा है भाई सब, ये देखो सामने ट्रेन आ रही है, मुझे रोड क्रॉस कर कर आना पड़ रहा है भाई, ऐसे कौन कैब रोकता है यार बीच रोड में लाकर। खैर जो भी है अभी फटाफट चलते हैं अपने घर पर, अभी मुझे ना इसे बताना पड़ेगा कि मुझे जाना कहाँ पर है, एक मिनट रुक जाओ, मेरा घर कहाँ चला गया, ये रहा मेरा घर, अभी फटाफट से इसको ये लोकेशन बतानी है जल्दी से, तो चलो भाई मेरे घर पर चल लो फटाफट, एक मिनट रुक जाओ, इसको घर ये रहा, ओके फटाफट चलो अभी मेरे घर पर। हाँ गाइस अभी मैं आपको क्या बता रहा था, मेरे को सबसे पहले ना अपने घर पर जाना है, वहां पर जाकर फरारी उठानी है, फरारी को लेकर जब मैं जाऊंगा गाँव में जहाँ पर उस बंदे से मेरी बात हुई थी कार डिलीवर करने की, तो सबसे पहले ना मैं उस बंदे से पेमेंट लेकर आऊंगा और पेमेंट इसको करेंगे बैनी को, फिर इसकी कार लेकर आएंगे भाई, अपना लॉस नहीं होना चाहिए। कल मैं सोच रहा था थोड़ा बहुत लॉस चलेगा लेकिन अभी अपना लॉस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाइस यार अभी फिलहाल अभी हम लोग अपने घर पर पहुंच चुके और ये कहाँ छूट गया भाई, एक सेकंड रुक जाओ, मैं तो अपना फ्लो फ्लो में गाड़ी बैठ के आराम से अपना फोन वोन चलाकर चिल मार रहा था, लेकिन ये पता नहीं कहाँ छोड़ गया भाई मेरा घर कहाँ पर है। ओके तो मेरे को ना थोड़ा बहुत पैदल जाना पड़ेगा, अगर उसकी गाड़ी यहीं पर, वैसे गाड़ी रुकी तो मन तो कर रहा हूँ मार के हूँ लेकिन छोड़ दो, अभी आसपास ना पुलिस वुलिस वाले घूम रहे हैं, काली पीली कलेश हो जाएगा। अभी फटाफट चलते अपने घर पर। तो गाइस यार आज ना मुझे अपने शोरूम के सारे छोटे मोटे काम खत्म करने हैं, जैसे कि जो हमने वेबसाइट बनाई थी उसकी पेमेंट करनी है, बाकी अपने शोरूम में मैकेनिक्स रखनी है कुछ, ताकि जितनी भी कार्स हम लिबर्टी सिटी लाए थे उनमें स्क्रैच वगैरह जो थे, बाकी जो टूटी फूटी थी जिनकी हेडलाइट्स, वो सारी की सारी रिपेयर हो जाए, और हमारे को जितने भी कार्स का ऑर्डर आएगा उसे हम फटाफट से डिलीवर कर आएंगे, उसके लिए बंदे भी रखने हैं, ये थोड़ी है कि हमेशा मैं ही जाऊंगा डिलीवर करने, अभी फिलहाल कोई बंदा है नहीं, इसलिए पेमेंट लेने भी मैं ही जा रहा हूं, डिलीवर करने भी मैं ही जा रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी फटाफट चल लेते हैं। यहां पर अभी मैं अपनी फरारी लेकर जाने वाला हूं क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी सुपर कार फिलहाल घर पर नहीं खड़ी, और हाँ मेरी लैम्बोर्गिनी टायर्स तो खैर यहीं पर खड़ी थी लेकिन मैं लैम्बोर्गिनी टायर्स को लेकर नहीं जाने वाला क्योंकि यार फरारी को चलाए हुए ना काफी ज्यादा दिन हो गए हैं, अभी इस कार को भी चलाने में मजा तो आता है लेकिन वही है ना भाई ग्राउंड क्लियरेंस की बात आ जाती है भाई, ये देखो जरा से भी ऊंची ऊंची जगह आ जाती है ना तो इसका आगे
कहाँ पे जो एरिया देख पा रहे हो ठुक जाता है भाई और कार पे स्क्रैच आ जाते हैं। अभी फटाफट अपनी कार को यहाँ से लेफ्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे देखना है मेरे टायर को एकदम सेफ खड़ी है या फिर नहीं खड़ी, तो एकदम सेफ है। वैसे ना यहाँ पर कार्स की इतनी ज्यादा कोई टेंशन रहती नहीं है, एकदम बढ़िया एरिया है यहाँ पर फिलहाल, इतनी ज्यादा चोरी वोरी होती नहीं है क्योंकि यहाँ पर पुलिस काफी ज्यादा रहती है, हमेशा पुलिस वाले चोर और बिल्कुल दिखते ही नहीं है। अभी फटाफट ना यहाँ से अपनी गाड़ी को निकाल ले रहे हैं। बाकी मैं सोच रहा हूँ ना कि एक बारी गांव जाने से पहले ना लोस्ट गैंग वाले बंदों से ना बात कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने उन्हें कूटा था ना, तो मुझे लगता है कि अभी उनके अंदर मेरे लिए डर बैठ गया होगा। अभी चलकर देखते हैं क्या सीन है लॉस्ट गैंग वालों का, क्योंकि मुझे ना पता है लॉस्ट गैंग वालों का एरिया कहाँ पर है। अब वो लोग मुझसे डरे या ना डरे भाई, ट्रैवल से तो बहुत ज्यादा डरते हैं। अभी बाकी ना लॉस्ट गैंग वालों का एरिया मुझे याद नहीं आ रहा। ओ, एक मिनट, अपनी कार अभी बहुत ही बुरी तरह ठुकती क्योंकि मेरा ध्यान था पूरा पूरा बातों में और मैं गाड़ी में रेस दबा कर दे जा रहा था। ओके, तो फिलहाल अभी मुझे आगे वाले कट से राइट होना है। और बाकी अगर देखा जाए फरारी की भी स्पीड काफी ज्यादा है, अभी तक ना मैंने इस कार को एक बार भी अपग्रेड नहीं करवाया, जो स्पीड इसमें पहले से सेट होकर आती है उसी स्पीड में चल रही है। बाकी आप भी कब वगैरह एकदम देख पा रहे हो भाई, 200 किलोमीटर पर आराम से खींच लेते हैं। अब यार देखो, सबसे पहले ना मैं जा रहा हूँ लॉस्ट गैंग वालों के एरिया में, मुझे ना उनका रिएक्शन देखना है क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम एयरकेड में जिमी का बदला लेने के लिए ना मैंने उनको बहुत ही बुरी तरह मारा था और वो बेचारे 8-9 लोगों पर भी कुछ नहीं कर पाए थे। अभी फटाफट से ना मुझे आगे लेना है और भाई सच्ची बता रहा हूँ मेरा ना मतलब का उनसे पंगे लेने का काफी ज्यादा मन कर रहा है क्योंकि वो लोग ना मेरे से डरे या ना डरे भाई, ट्रैवर को देखते ही वो लोग की ऐसी हवा टाइट होती है ना पता नहीं किस वजह से, शायद से ना ट्रैवर को हम लोगों ने बॉम ब्लास्ट करते हुए देख लिया होगा या फिर जब ट्रैवर अकेले पुलिस वालों को मारने चले जाता ना वो चीज देख ली होगी, जिस वजह से ना वो लोग ट्रैवर से काफी ज्यादा डरते हैं। अभी फटाफट से ना मैं फिलहाल द लॉस्ट गैंग वालों के एरिया में एंटर हो चुका हूँ। यहाँ पर ये देखो सारे के सारे यहीं पर खड़े हो रखे हैं, अपनी गाड़ी ना साइड पार्क कर लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये लोग मेरी गाड़ी पर अटैक करें। यहाँ पर इन लोग से बात करके देखते हैं क्या सीन है। फिलहाल मैं अपने हाथ में गन वगैरह नहीं रखने वाला, गन की छोड़ नहीं दिखाएंगे, नॉर्मली चलकर बात करते हैं और देखते हैं ये लोग हमसे डरते हैं या फिर नहीं डरते। यहाँ पर एक बार सबसे बात करता हूँ, यहाँ पर इनके झुंड के एकदम बीच में जाकर खड़े हो जाता हूँ। यहाँ पर ये लोग डर, ओ ये देखो भाई वो बंदे की देखो पहली हवा टाइट होगी, वो गंजा वहां पर वैसे निकल गया और ये भी निकल गया। भाई सब जिससे मैं बात कर रहा हूँ ना डर के मारे चले जा रहा है, और यहाँ पर भाई सब इसमें छोड़ रहे, ये डर के चला गया, गंजे में दम है भाई, गंजा नहीं डर रहा मेरे से है, चले जा भाई गंजा छोड़ा हो रहा हूँ भाई, गंजा भी डर के चला गया। यहाँ पर देख रहे हो भाई, ओ भाई ये तीनों तो ऐसे ही डर के भाग रहे, चल 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 भाई। लॉस्ट गैंग वालों की तो हवा टाइट कर दी भाई माइकल ने सच्ची में, जिस हिसाब से मैंने इनको लास्ट टाइम मारा था ना भाई इनकी हालत खराब हो गई है, अभी ये लोग मेरे से नहीं मिलने वाले। और यहाँ पर ना था लॉस्ट गैंग वालों का अंदर ऑफिस है और यहाँ पर काफी बढ़िया बाइक भी खड़ी हुई है यहाँ पर अंदर। ओके, तो इनकी गैंग में कुछ गर्ल्स भी है, यहाँ पर इन लोग से बात कर देखते हैं, यहाँ पर इनसे फुल चौड़ में बात करेंगे और ये थोड़े से खतरनाक लग रहे हैं। गन तो निकाला ना, अच्छा जी गंजे तेरे अभी भाई को ही मैंने यहाँ से बाहर भगाया। ओके, तो यहाँ पर जेब में किसी, ओए भाई एक सेकंड, ये लोग तो छोड़ रहे और उसने गन बाहर निकाली, रुक जा भाई ये तो गड़बड़ हो गई। यहाँ पर भाई इन लोगों ने गन वन बाहर निकाली और अबे लड़कियां मारने आ रही है तुम्हारी मैच की डाय, मैंने कुछ कहा भी नहीं है भाई, अभी रुक जा भाई साहब ये तो चिढ़ गए भाई, बाहर वाले थोड़े डरपोक से थे लेकिन जो बंदे अंदर बैठे हैं ना ये थोड़े से खतरनाक है, मेरे गोलियां बजाओगे तुम लोग बेटा, तुम्हारी पूरी लॉस्ट गैंग ही खत्म कर दूंगा मैं। भाई साहब हिम्मत तो है यहाँ पर, लड़कियां तक गन ले लेकर आ रही है, रुक जाओ। अच्छा जी कुछ ज्यादा ही खतरनाक गैंग हो रही है ना, कुछ ज्यादा ही खतरनाक गैंग हो रही है, निकल तुम्हारी ऐसी की तरह से, अभी बचेगा तुम्हारी टीम में कोई। बाकी गैंग तो इनकी भी काफी ज्यादा बढ़िया, लेकिन ना बाकी बंदे बेचारे डरते हैं मेरे से इसलिए कोई लड़ने आए नहीं, 3-4 लोग थे जो कि अकड़ गए थे। अब शायद से ना इन लोगों ने बताया नहीं हो कि कल हम लोग माइकल से पिट के आए और इनको ये बात पता नहीं होगी इसीलिए ये लोग मेरे से चूड़े हो रहे थे। और बाकी यार इन्होंने अपना घर वगैरह तो काफी ज्यादा बढ़िया बना रखा है और यहाँ पर ना ओहो लॉकर भी है, इसके अंदर इनका काफी सारा पैसा भरा होगा, लेकिन अभी मैं इनका कोई पैसा वैसा चुराने नहीं आया, बेचारे वैसे इतने गरीब लोग हैं। फटाफट ना यहाँ से बाहर निकलते हैं जल्दी से। और भाई यहाँ पर अबे क्या है ये, यहाँ पर ये देखो भाई गेम वगैरह की मशीन है क्या, क्या छोड़ो जो भी, अभी फटाफट यहाँ से बाहर निकलते हैं, जिस काम के लिए हम लोग जा रहे थे पेमेंट लेने वही लेने चल लेते हैं सीधा, ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी यार यहाँ पर ना इन लोग की बाइक काफी ज्यादा बढ़िया लगी मेरे को इसीलिए इसके टायर पंचर कर दूंगा मैं, क्योंकि ये बाइक हमारी नहीं तो किसी की नहीं, अभी वैसे ये लोग रिपेयर तो करवा ही लेंगे। अभी फटाफट से मेरी कार कहाँ चली गई, फरारी ये नहीं भाई, काफी ज्यादा अच्छा लगता है ना जब बंदे हमें देख कर भागते हैं तो इससे पता लगता है कि हाँ भाई अब हम लोग डॉन बन चुके हैं। बाकी यहाँ पर था लॉस गैंग के बंदों की सच्ची में हवा तो बहुत ही बुरी वाली टाइट हुई थी। बाकी यार डायमंड कैसीनो ना पहले मैंने इसके अंदर जब 2 बार हाइस्ट कराया तब से ये डायमंड कैसीनो काफी ज्यादा चलने लग गया भाई, इतनी सारी गाड़ियां यहाँ पर पार्किंग में खड़ी रहती है, मतलब खुद सोचो यार अंदर कितने सारे बंदे होंगे, इसके बेसमेंट में इतनी सारी कार्स रहती हैं, इसकी पार्किंग जो बाहर वाली है उसके अंदर इतनी सारी कार पार्क रहती हैं, इसका मतलब भाई डायमंड कैसीनो का जो मालिक है ना वही बंदा अभी भी काफी ज्यादा पैसे छाप रहा है। तो चलो गाइस यार फालतू बातें ना बाद में।